Hello everyone, myself Chandra Prakash, and I welcome you on the behalf of CLC Seeker, and we are going to discuss JEE Advanced 2019 Mathematics Paper 2 part. So let's begin with question number 1. So here you can see the question. First of all, the section 1 contains one or more than one correct option type questions. It has 8 questions, we will discuss them one by one. The first question is from calculus. A function is given, and if you read it, you can find that we have to check the maxima minima of this function. Or maxima minima nikalna ho kisi bhi function ka, to first of all hum uske derivative ko calculate karenge. So let's start with derivative. So f dash x will be, we will apply division rule for differentiation here. So here x power 4, now the x square as it is, and differentiation of sin pi x, which is pi cos pi x, minus, now the differentiation of x square is 2x and sin pi x as it is. So this is the differentiation of fx. Now to check maxima or minima, we have to check the sign of this term. Ye kahan positive hogi aur kahan negative hogi. Aur ye check karne ke liye sabse pehle hame check karna padega ki ye term zero kahan hogi. To agar hum iske ko factor karte hain, to dekhiye main yahan se common le raha hu 2x and cos pi x. And after that it look like pi x by 2 minus 10 pi x divided by x power 4. Now we can cancel this x with this. So this is f dash x after factorization. So it will become 0 when either this factor is 0 or this factor is 0. Lekin dekhiye agar cos pi x 0 hota hai to wo is term ko 0 banata hai, hai na, is term ko 0 nahi banayega. अगर आप यहाँ पे cos pi x को 0 डालेंगे देन sin x sin pi x विल बी 1 और माइनस 1, तो ये 0 नहीं बनेगी. सो cos pi x डज नॉट गिव अस क्रिटिकल पॉइंट. सो दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमको चेक करना है ये कब 0 होगा. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है. सो वी आर अनेबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन. सो वी विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. सो वी मेक द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 10 pi x. इसका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल y इज इक्वल टू 10x जैसा ही होगा. जो थोड़ा सा डिफरेंस होगा वो हम ग्राफ बना के बताते हैं आपको. हमें चूंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए डिस्कस करना है तो इधर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है y इज इक्वल टू 10x का, और ये जो आइसिम्प्टोट है इसकी ये पाई बाई 2 पे आती है. लेकिन इस ग्राफ के लिए यहां हमें पाई बाई 2 कब मिलेगा, व्हेन x इज इक्वल टू हाफ, तो ये आइसिम्प्टोट हाफ पर ही मिल जाएगी हमको. तो ओनली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 10x एंड 10 पाई x. सो द नाउ इट ग्राफ रिपीट इटसेल्फ. इफ यू फाइंड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन दैट इज पाई, सो आफ्टर इंटरवल पाई इट रिपीट इटसेल्फ. बट हियर पाई x, सो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन विल बी 1. सो इफ दिस इज हाफ देन दिस विल बी 3/2 एंड दिस विल बी 1. Again graph repeat itself. This point is 2, this is 5/2. This is 3, this is 7/2, and so on. Now we make the second curve, y is equal to pi x by 2. Or it will be a straight line passing through the origin having slope pi by 2. So graph of this will be like this. यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये इस पोर्शन को कट नहीं करेगी ना, इसके नीचे से पास होगी. और उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, अगर हम 10 पाई एक्स का डिफरेंशिएशन पता करें एट द पॉइंट 0 दैट विल बी पाई, यानी यहाँ इसकी टेंजेंट का स्लोप होगा पाई, इस लाइन का स्लोप है पाई बाई 2, तो ये टेंजेंट से नीचे झुकते हुए फिर इस तरह से जाएगी. अब वो पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पर ये दोनों कर्व सेम वैल्यू देंगे. तो आप देख सकते हो ग्राफ में ये वो पॉइंट है जहाँ पर इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी. सिमिलरली इस पॉइंट पे सेम हो जाएगी,
और इस पॉइंट पे सेम हो जाएगी। तो यही वो पॉइंट है जो हमको मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बताएंगे। टू फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा वी हैव टू चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स ऑन द बोथ साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। सो लेट वी नेम देम 1, 2 एंड 3। नाउ वी विल डिस्कस द साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट दिस पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4। ओके, इन सब पॉइंट पे अगर आप नोटिस करें तो इन सबसे पहले पाई एक्स बाई टू का ग्राफ ऊपर है 10 पाई एक्स के ग्राफ से। तो सब पॉइंट के पहले पाई एक्स बाई टू बड़ा होगा 10 पाई एक्स से, तो ये फैक्टर होगा पॉजिटिव। और हर एक पॉइंट के बाद में 10 पाई एक्स बड़ा हो जाएगा पाई एक्स बाई टू से, तो ये फैक्टर हो जाएगा नेगेटिव। यानी हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे इस फैक्टर की वैल्यू प्लस से माइनस में चेंज होगी। लेकिन टोटल टर्म का साइन डिसाइड करने में इसका भी रोल होगा। यहाँ एक्स क्यूब तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि हम एक्स ग्रेटर देन जीरो डिस्कस कर रहे हैं। अब कॉस पाई एक्स की बात करते हैं। अगर आप देखें इस इंटरवल में एक्स का वैल्यू 1 से 3/2 है, तो पाई एक्स का वैल्यू पाई से 3/2 हो गया। और ये पाई से 3/2 जो है थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसलिए कॉस की वैल्यू होगी नेगेटिव। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये जो साइन अभी प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये साइन इस पॉइंट पे माइनस से प्लस में चेंज होगा। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट आप देखें तो ये आता है 2 और 5/2 के बीच में। तो एक्स की वैल्यू 2 से 5/2 है, तो पाई एक्स की वैल्यू 2π से 5π/2 के बीच हो गई। और ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी इस पॉइंट पे इस पूरे एफ डैश एक्स का साइन प्लस से माइनस में ही चेंज होगा। तो सेकेंड पॉइंट पे ये प्लस से माइनस में चेंज होगा। सिमिलरली आप आगे भी चेक कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट पे माइनस से प्लस होगा, उसके बाद फिर प्लस से माइनस होगा एंड सो ऑन। अब अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें बोला गया है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आर x1, x2, x3, x4। मैक्सिमा वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है। इसका मतलब हमें पहला मैक्सिमा का पॉइंट मिलेगा ये, जिसे हम सेकेंड पॉइंट बोल रहे हैं। तो ये हो गया x1, अगला ये पॉइंट हो गया x2। सिमिलरली मिनिमा वहाँ मिलता है जहाँ डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है। ये पॉइंट हो गया मिनिमा वाले y1, y2। यानी ग्राफ में अगर इनको प्लॉट करें तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी x की, दैट इज y1 फर्स्ट पॉइंट पे, जो सेकंड पॉइंट था वो कन्वर्ट हो गया x1 में। ये जो थर्ड पॉइंट पे वैल्यू आएगी दैट इज y2 एंड सो ऑन। नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ग्राफ वी विल चेक ईच ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज xn इज लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस। नाउ गाइज इफ यू पुट चेक फॉर n equal to 1, देन x1 लाइंग बिटवीन 2 and 2 plus half। सो हियर इज द x1 एंड दैट इज लाइंग बिटवीन 2 and 2 plus half। सिमिलरली आगे अगर आप चेक करेंगे तो x2 जो होगा दैट इज लाइंग बिटवीन 4 and 4 plus half। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी डेफिनेटली करेक्ट। नाउ वी विल गो फॉर सेकेंड ऑप्शन। इन सेकेंड ऑप्शन वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन हमको चेक करना है। चलिए ग्राफ में आते हैं। जैसे ये एक्स वन है और मुझे एक्स टू की वैल्यू चेक करनी है, तो हम ग्राफ और बना लेते हैं एक पोर्शन आगे इसका। तो ये जो पॉइंट होगा ये वैल्यू देगा हमको x2। अब हमें चेक करना है कि ये जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिफरेंस 2 से ज़्यादा है या नहीं है। देखिए ये जो ग्राफ है 10 पाई एक्स, इसका पीरियड है 1, तो ये सेम वैल्यू रिपीट करता है 1 इंटरवल पे। अब ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ फंक्शन की, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें ऐसे, तो देखो सेम वैल्यू फंक्शन की यहाँ आ रही है फिर यहाँ आ रही है, तो ये पूरा इंटरवल जो है 1 है। सिमिलरली ये इंटरवल भी 1 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हुआ 2। अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो x2 और x1 के बीच की डिफरेंस आप चेक कर सकते हो कि 2 से थोड़ी ज़्यादा है। तो सिमिलरली ये हर दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू पे आपको वैल्यू 2 से ज़्यादा ही मिलेगी, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है।
इसका ज़्यादा होने का कारण भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम वैल्यू यहाँ आ रही है और जो नेक्स्ट रूट है ये थोड़ा इससे आगे मिलेगा आपको, क्योंकि इस लाइन, ये जो लाइन है ये इंक्रीजिंग है, तो ये इससे ऊपर ही काटेगी हमेशा। सेम ऐसे ही हम थर्ड ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं, इसमें हमें एक्स और वाई का डिफरेंस चेक करना है। जैसे एक्स वन और वाई वन के डिफरेंस की हम बात करें, ये एक्स वन और वाई वन रहा। अब फिर से वही लॉजिक लगाएंगे हम, द सेम वैल्यू ऑफ टेन वो आपको यहाँ मिलेगी। अब इन दोनों पे वैल्यू सेम है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो फंक्शन के पीरियड यानी वन के बराबर है। सो दिस डिफरेंस इज़ वन, तो एक्स वन और वाई वन के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हो वन से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। द फोर्थ ऑप्शन इज एक्स वन इज लेस देन वाई वन, तो आप यहाँ देख सकते हो वाई वन पहले आ रहा है, एक्स वन बाद में आ रहा है, तो जो एक्स वन है वो ग्रेटर देन होगा वाई वन से। यहाँ उल्टा दिया हुआ है तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है क्वेश्चन वन का। नाउ लेट मूव फॉर क्वेश्चन टू। क्वेश्चन नंबर टू जो है देखिए वो ट्रिग्नोमेट्री से लिया हुआ है। अब देख सकते हैं एफ एन जो हमें गिवन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो सीरीज हमको गिवन है और उसका सम हमको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होगा पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। कॉस ए वन प्लस कॉस ए टू अप टू कॉस ए एन, वेयर ए वन ए टू ए थ्री ऑल आर इन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस बी। तो ये जो सम होता है आप सबको पता होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इट इज नॉन एज कोसाइन सीरीज। तो ये जो फॉर्मूला है किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू साइन एन डी बाई टू, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय साइन डी बाई टू मल्टीप्लाई विद कॉस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय टू। तो इस फॉर्मूले को यूज करना होगा हमें। अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, पहले न्यूमरेटर लेते हैं। देखिए एफ एन का, तो न्यूमरेटर ऑफ एफ एन टर्म वहां लिखी हुई है सामने, दो साइन मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम इसको टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि टू साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला हम यूज कर सके। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, वन बाय टू सिग्मा के स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू एन एंड टू टाइम साइन के प्लस वन एन प्लस टू पाई इंटू साइन के प्लस टू अपॉन एन प्लस टू पाई। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला टू साइन ए साइन बी विच इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अगर हम इसको यूज करें तो ये देखते हैं क्या बनता है, इट विल बिकम कॉस ए माइनस बी। तो आप सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें से इसको करिए चाहे इसमें से इसको करिए, डजंट मैटर, कॉस है तो प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से इसको तो आप देख सकते हैं आपको मिलेगा पाई अपॉन एन प्लस टू माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अगर इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2k प्लस 3 अपॉन एन प्लस टू पाई। नाउ वी विल अप्लाई द सिग्मा ऑन दीज टर्म्स। आप यहां देख सकते हैं इस टर्म में k नहीं है, तो जब हम सिग्मा अप्लाई करेंगे k की वैल्यू 0 से लेके और n तक चेंज करेंगे तो इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म है, तो यही टर्म बार बार रिपीट होगी। 0 से n तक टोटल n प्लस 1 टर्म है, तो ये टर्म n प्लस 1 टाइम ऐड होगी, तो आपको मिलेगा ये 1 बाई टू एज इट इज। यहाँ सिग्मा अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, n प्लस 2 टाइम कॉस पाई n प्लस 2 सॉरी n प्लस 1 टाइम, टोटल n प्लस 1 टर्म है, सेम टर्म बार बार रिपीट होगी, तो ये टर्म n प्लस 1 टाइम ऐड होगी और ये मिलेगा आपको। और ये सिग्मा अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखिए सबसे पहले k का वैल्यू 0 डालेंगे तो आपको मिलेगा कॉस 3 पाई बाई n प्लस 2 प्लस कॉस, नाउ इफ यू पुट एन इक्वल टू वन इट इज 5 पाई बाई एन प्लस 2 प्लस कॉस एंड सो ऑन, द लास्ट टर्म विल बी कॉस 2 एन प्लस 3
n plus 2 pi. Now here we will use this formula, है ना. Here ये जो terms है, देखिए angle जो है सारे AP में आ रहे हैं और सब पे cosine है, तो cosine series का standard formula हम लोग यहाँ पे use करने वाले हैं. ये हो गया 1 by 2 n plus 1 cos pi upon n plus 2 minus. तो सबसे पहले आता है sin n d by 2 where d is the common difference and n is number of term. So the common difference of this term, this AP is 2 pi upon n plus 2. तो जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में मिलेगा साइन डी बाई 2 यानी पाई अपॉन एन प्लस 2. ऊपर आएगा साइन यही पाई अपॉन एन प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ एन. हियर एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म और इस सिग्मा में या इस सीरीज में हमारे पास एन प्लस 1 टर्म है, तो हमें एन की जगह यहाँ लिखना होगा एन प्लस 1. तो ये बनेगा कुछ ऐसा एन प्लस 1 एन प्लस 2 पाई और आएगा कॉस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मीन. इसको इसमें ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा n प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 पाई. अब यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देखिए उसको समझिएगा. ये जो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 है, इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं. देखिए ये जो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 पाई है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 पाई. और सेपरेट अगर कर ले तो ये पाई माइनस पाई अपॉन n प्लस 2 हो गया. यानी ये टर्म ऐसी बन गई साइन पाई माइनस थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. यहाँ मैं थीटा किसको बोल रहा हूँ, पाई अपॉन n प्लस 2 को. यानी ये टर्म बनेगी साइन पाई अपॉन n प्लस 2 और ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर भी यही है, तो इसलिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी. सिमिलरली अब यहाँ देखते हैं, यहाँ n प्लस 3 है, तो अगर यहाँ पे 3 होता ऐसे तो क्या हम इसको ऐसे लिख पाते और फिर ये बनता ऐसे. यानी ये जो टर्म है ये बन गई cos पाई प्लस थीटा. cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा. यानी फाइनली ये टर्म बनेगी माइनस cos पाई अपॉन n प्लस 2. तो द लास्ट स्टेप इज 1 बाय 2 n प्लस 1 cos pi upon n plus 2. ये कैंसिल हो चुके हैं, ये बनेगा माइनस cos pi upon n plus 2. वो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और आपको यहाँ मिलेगा प्लस cos pi upon n plus 2. cos pi upon n plus 2 हम कॉमन ले लेंगे, n plus 1 और 1 ऐड होके फाइनली n plus 2 by 2 cos pi upon n plus 2. तो ये न्यूमरेटर में जो सीरीज गिवन है उसका सम है. अब डिनोमिनेटर वाली सीरीज का सम हमको कैलकुलेट करना है, कुछ स्पेस चाहिए होगा, तो इस सॉल्यूशन को हम रिमूव कर लेते हैं और इस वैल्यू को हम सेपरेटली यहाँ लिख लेते हैं कि न्यूमरेटर जो है सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, n प्लस 2 बाई 2 कॉस पाई अपॉन n प्लस 2. नाउ सिमिलरली हम ऐसे ही डिनोमिनेटर ऑफ एफ एन चेक करते रहेंगे. वो भी सीरीज है, एक साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ भी इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ऐसा लिख लेते हैं हाफ ऑफ सिग्मा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई. नाउ 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न 1 माइनस कॉस 2 थीटा. सो यूजिंग दिस इट कैन बी रिटर्न हाफ ऑफ सिग्मा 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ दिस यानी 2 के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई वेयर के लाइंग बिटवीन 0 टू एन. नाउ वी विल अप्लाई सिग्मा ऑन दीज टर्म्स. तो अगेन 1 है, कॉन्स्टेंट है, तो जब आप अप्लाई करोगे सिग्मा तो हर टर्म 1 बनेगी और 0 से n तक टोटल n प्लस 1 टर्म है, तो ये ऐड करने पे n प्लस 1 बन जाएगा माइनस. अब यहाँ सिग्मा अप्लाई कर रहे हैं, के का वैल्यू 0 से n तक पुट करेंगे तो अपने को मिलेगा, देखिए कॉस के का वैल्यू 0 डालोगे तो 2 पाई बाई n प्लस 2. फिर मिलेगा कॉस 4
4 pi by n plus 2 and so on. लास्ट में मिलेगा 2 टाइम सॉरी cos ऑफ 2 टाइम n प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाय n प्लस 2. और अगेन ये फिर से कोसाइन सीरीज बन गई. अब की बार भी आप देख सकते हो कि जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस d, उसका जो वैल्यू है वो वही है जो पिछली सीरीज में था, है ना. इनमें डिफरेंस 2 पाई अपॉन n प्लस 2 ही है, बदला है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म. तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए तो ये बनेगा हाफ ऑफ एन प्लस वन माइनस, यहाँ आएगा साइन डी बाई टू यानी पाई अपॉन एन प्लस टू और वही साइन एन प्लस वन डी बाई टू. फिर आएगा कॉस एंड सम मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. सो इसको और इसको ऐड करके टू से डिवाइड कर लीजिए. सो वी गॉट एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू पाई. जैसा पिछली सीरीज में हुआ था सेम टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गए तो ये बचा. देखिए कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू होता है माइनस वन, तो वो अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो माइनस वन माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस वन हो गया और इसमें ऐड होके फाइनली आपको मिला हाफ ऑफ एन प्लस टू. तो ये इस तरह से सॉल्व होगी डिनोमिनेटर वाली सीरीज. अब ये वैल्यू भी हम पूरा सॉल्यूशन आप देख लीजिए. अब इस वैल्यू को हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी सॉल्यूशन मिटा देते हैं ना. तो ये वैल्यू मिली अपने को हाफ ऑफ एन प्लस टू. नाउ अगर हम एफ एन कैलकुलेट करते हैं सो दैट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये टर्म पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी, आपको मिलेगा कॉस पाई अपॉन एन प्लस टू. सो गाइस दिस इज एफ ऑफ एन. नाउ वी विल चेक ईच ऑप्शन वन बाय वन. द फर्स्ट ऑप्शन इज साइन ऑफ सेवन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ फाइव. आप यहाँ फाइव पुट करेंगे आपको मिलेगा कॉस फाइव बाई सेवन. हमको गिवन है कॉस का प्रिंसिपल रेंज हमें यहाँ लेना है, कॉस इनवर्स का जीरो से पाई है, पाई बाई सेवन प्रिंसिपल रेंज में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली सेवन से सेवन कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा साइन पाई विच इज इक्वल टू जीरो. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ लेट मूव टू द सेकेंड ऑप्शन. लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन कॉस पाई अपॉन एन प्लस टू. अगर हम देखिए इसमें एन की जगह इनफाइनाइट, if n tends to infinite then this term will tends to zero, so you got cos 0 which is equal to 1. So this option is incorrect. Now the third option is alpha is equals to tan of cos inverse of f of 6. So aapko milega alpha is equals to tan of cos inverse of f of 6. F of 6 ki value yahan se ho gayi cos pi by 8. फिर से वही होगा, ये जो टर्म है कैंसिल होकर आपको मिलेगा टेन पाई बाई एट. वैसे टेन पाई बाई एट की वैल्यू होती है रूट टू माइनस वन. तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई, लेकिन आपको चेक करना अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा कैसा होगा. तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू रूट टू हो गया और अब स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू टू. सो फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो. सो ये ऑप्शन भी करेक्ट. Now the easiest option is f of 4, the fourth option, f of 4 is equal to, so if you put n equal to 4 here, it will become cos pi by 6 and cos pi by 6 ki value root 3 by 2 hoti hai, so ye option bhi correct hai. To is tarah se charon mein se ye teen option iske correct hai. Thoda lengthy zarur tha question, chaliye next question chalte hai na. First ka third question ki taraf aate hain. Dekhiye matrix ka question hai aur काफ़ी लेंदी सा या कॉम्प्लिकेटेड सा दिख सकता है. टोटल 6 मैट्रिक्स आपको गिवन है यहाँ पे, P1, P2, P3 अप टू P6 और फिर X मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए इस मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड से पी के और इधर पी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है. तो एक तरह से 6 मल्टीप्लीकेशन यहाँ है, फिर उसका सम करना है, आफ्टर दैट आपको ऑप्शन के जवाब देने हैं. तो चलिए एक एक क्वेश्चन पर चलते हैं. हम जो सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन है उसको पहले लेते हैं. तो हम पहले देखो सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, एक्सिस सिमेट्रिक और नॉट. देखिए कोई भी जो मैट्रिक्स है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इधर किसी भी मैट्रिक्स पी से और उसके ट्रांसपोज से इधर,
तीनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब की बात हो रही है। तो ऐसे में ये जो मैट्रिक्स बनती है ये सिमेट्रिक होती है अगर ए सिमेट्रिक हो तो, और स्क्यू सिमेट्रिक होती है अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हो तो। मतलब इसका सिमेट्रिक होना या स्क्यू सिमेट्रिक होना टोटली ए पे डिपेंड करता है। अब अपने क्वेश्चन में ए जो है वो ये वाली मैट्रिक्स है, इसको आप देख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, है ना। डेटा देख सकते हैं, इधर वन है, यहाँ भी वन है, थ्री थ्री टू टू, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके सिमेट्रिक होने का मतलब ये जो पी के ए पी के ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक होगा हमारे लिए, चाहे आप के का वैल्यू वन लें, टू लें या सिक्स तक लें। यानी कि इस सिग्मा की हर एक टर्म सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है, और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का सम भी सिमेट्रिक होता है। तो देयरफॉर जो एक्स है इट मस्ट बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन टू है ये डेफिनेटली करेक्ट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम, फिर आते हैं देखिए ऑप्शन वन पे, द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स इज 18। तो इसकी डायगोनल एंट्रीज के सम को हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एक तरह से इस मैट्रिक्स का ट्रेस हमको कैलकुलेट करना है। इसका ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमें इस सिग्मा की हर एक मैट्रिक्स का ट्रेस कैलकुलेट करना होगा, और उसके लिए ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पी वन मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स ए इंटू पी वन ट्रांसपोज, यहाँ ए मैं इस मैट्रिक्स को बोल रहा हूँ, बाकी पी वन पी टू सब आपको गिवन है। ध्यान से देखिए, पी वन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये आई हो गया, इसका ट्रांसपोज भी आई ही होगा, आई इंटू ए इंटू आई विल बी फाइनली इक्वल टू ए, यानी कि 213, 102 एंड 321। अब हम आते हैं पी टू ए पी टू ट्रांसपोज पे। पी टू अपने को गिवन है 100001010 मल्टीप्लाई विद 213, 102, 321 मल्टीप्लाई विद इट्स ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखिए, ये भी सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो भी सेम आपको यही मैट्रिक्स मिलेगी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, तो 1, 2 से 0, 1 से और 0, 3 से मल्टीप्लाई होके सम होगा, तो आपको मिलेगा 2। ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1, ये जब यहाँ होगा 3। सिमिलरली करते चले जाइए, इसको जब यहाँ करेंगे तो मिलेगा 321, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा 102। नाउ मल्टीप्लाई दिस विद 100001010। देखिए क्या आता है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम 2, फर्स्ट रो विद थर्ड सेकंड कॉलम 3, 213, 010 से मल्टीप्लाई होके 1। सिमिलरली 321 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 312, 120, ये फाइनल रिजल्ट आपको मिल रहा है। ऐसे हम चाहें तो उस पूरे 6 के 6 को कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर आप गौर करें कि डेटा जो है स्पेशली वो कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ देखिएगा ये जो मैट्रिक्स है, अगर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंपेयर करते हैं तो आप पाएंगे कि इसकी फर्स्ट रो तो एज इट इज है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये सेकेंड रो होती है, ये थर्ड रो होती है, ये आपस में इंटरचेंज है। तो फाइनली जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना, तो हुआ क्या, इसकी भी ये दोनों रो इंटरचेंज हो गई, देखो बाकी सबको सेम है। अब जब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके कॉलम को कंपेयर करिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, फर्स्ट कॉलम तो सेम है, ये दोनों कॉलम इंटरचेंज है, तो उसकी मल्टीप्लीकेशन से इसके भी दोनों कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इस तरह से नया मैट्रिक्स बन रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जब आप सॉल्व करेंगे तो जो नए मैट्रिक्स बनेंगे वो मैट्रिक्स ए के ही रो और कॉलम के रीअरेंजमेंट होंगे। अब अगर हम ट्रेस की बात करें, आप देखिए डायगोनल एलिमेंट यहाँ भी 201 है, इसमें भी 210 है, बाकी सब में भी 210 के ही अरेंजमेंट आएंगे। यानी हर एक का ट्रेस अगर निकालें हम, यानी इनका सम अगर निकालें, तो सबका ट्रेस जो है वो 3 आएगा। तो इसमें टोटल 6 एलिमेंट है, सबका ट्रेस 3 है, तो जब ऐड करेंगे तो फाइनली ट्रेस ऑफ एक्स कितना आएगा, दैट इज 6 × 3 यानी कि 18। तो डेफिनेटली ऑप्शन वन जो हमारा वो करेक्ट है। अगर आप इस डेटा अरेंजमेंट पे गौर नहीं करते हैं तो आपको ये सब 6 बार करना पड़ेगा और क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। अब हम अगले दो ऑप्शन पे आते हैं। देखिए
थर्ड ऑप्शन में हमको गिवन है कि x इंटू 111 इज दिस, देन अल्फा इक्वल टू 30 होगा क्या? तो ये चेक करने के लिए x को 111 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x देखिए क्या है, x है सिग्मा पी के मल्टीप्लाई विद a इंटू पी के ट्रांसपोज, k का वैल्यू 1 से 6, और इसको मल्टीप्लाई करना है 111 से, तो ये सारी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी मैट्रिक्स 111 से। अब इस चीज पे गौर कीजिएगा कि जब किसी मैट्रिक्स को हम राइट साइड से इस कॉलम मैट्रिक्स 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है, तो सोच के देखिए, जैसे कोई मैट्रिक्स है ये ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 111 से, तो आपको मिलेगा ए बी सी विद दिस, यानी ए प्लस बी प्लस सी, फिर पी क्यू आर गुणा होंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो एल प्लस एम प्लस एन। कुल मिला के बात ये कि इसके प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी हर रो में इसकी हर एक रो का एलिमेंट का सम आएगा। ओके, तो इसको अगर हम गौर कर लेते हैं तो हमें ये मल्टीप्लीकेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं। देखिए पी के को 111 से गुणा कीजिए, इसमें से कोई भी मैट्रिक्स या उसके ट्रांसपोज को आप देख लीजिए, हर एक रो का जो सम है वो 1 ही है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा पी के ए इंटू 111 ही मिलेगा। ओके, अब अगेन फिर से 111 को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ए की रो के एलिमेंट का सम मिलना है, जैसा अभी हम देखे थे, तो ये बनेगा सिग्मा पी के इंटू फर्स्ट रो के एलिमेंट का सम 213, इससे गुणा होंगे तो आपको मिलेगा 6, 3 और 6। अब आप देख सकते हैं ये जो टर्म है ये पूरी तरह के से फ्री हो गई है, तो ये सिग्मा में जब के का वैल्यू आप चेंज करेंगे 1 से 6 इट विल बी कॉन्स्टेंट, तो हम इसको कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा के इक्वल टू 1, 6 पी के इंटू 6, 3, 6। अब ये जो टर्म है सिग्मा पी के, मतलब ये इन सारे मैट्रिसेस का सम है। मैट्रिसेस का सम कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं, तो अगर हम देखिए सारे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करें तो हमें मिलेगा 2, सेकेंड को ऐड करेंगे तो भी 2। गौर से देखिए पूरे 6 मैट्रिक्स में हर एक पोजिशन पे 1 जो है 2 बार आया है और 0 4 बार आ रहे हैं, तो आप किसी भी पोजिशन पे ऐड करेंगे तो आपको 2 ही मिलेंगे, यानी ये कुछ इस तरह से बन जाएगा मल्टीप्लाई विद 6, 3, 6। इसको अगर और सॉल्व करें 2, 2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होंगे 6 × 2 = 12 प्लस 6 + 12 12, 6 और 12 ऐड करके हो गए 30, ऐसे ये जब मल्टीप्लाई होंगे अगेन 30, 30, कुल मिला के ये बना 30 × 111। तो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं यहाँ से कि x इंटू 111 इज 30 × 111, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 30, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 पे, तो देखिए उसको हम थर्ड ऑप्शन से ही स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमने क्या देखा कि हम x इंटू 111 करते हैं तो हमको मिलता है 30 × 111। आप ये तो जानते ही हैं किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको 30i लिख देता हूँ। इसको इधर लेके इसमें से हम ये मैट्रिक्स जो है 111 वाली कॉलम मैट्रिक्स इसको कॉमन ले लेते हैं और सामने हो गया 0। अब आप ध्यान से देखिए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, और ये वाली मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डेफिनेटली 0 होगा। ये आपको याद होगी इन्फॉर्मेशन कि इफ ए बी इज 0 एंड बी इज नॉट 0 मैट्रिक्स देन डेफिनेटली डिटर्मिनेंट ए इज 0। तो अगर इसको हम यूज करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस 30i मस्ट बी इक्वल टू 0, और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है एक्स माइनस 30i इट इज नॉट इन्वर्टिएबल। क्वेश्चन इस ऑप्शन 4 में गिवन है कि ये इन्वर्टिएबल होगी, तो डेफिनेटली ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन फर्स्ट के पहले 3 क्वेश्चन आपने देखे बहुत ही लेंथी थे, लेकिन अगले क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, तो एक एक करके शुरू करते हैं, और काफ़ी लेंथी भी नहीं है।
इस क्वेश्चन पे आते हैं, आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर आपको एक सीरीज नजर आ रही होगी, इस सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, दिस कैन बी रिटर्न सिग्मा आर पावर 1/3 वेयर आर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। डिनोमिनेटर को भी ध्यान से देखें तो n पावर 7/3 है, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको भी हम सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 upon an + r whole square वेयर आर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। अब ये लिमिट हमको कैलकुलेट करनी है, आपको उसको देख के याद आना चाहिए कि वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट विद हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट यहाँ करने पड़ेंगे। क्या है वो देखिए, अगर आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करना चाह रहे हैं इसको, तो आर के साथ में डिनोमिनेटर में एन भी होना चाहिए, सो वी कैन राइट इट आर बाई एन टू द पावर 1/3, और एक 1/n बाहर भी होना चाहिए। तो देखा जाए तो एन की पावर 1 और 1/3 पावर हम ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं 7/3 में से, तो 7/3 में से 1/3 हटा दीजिए आप, तो बचेगा एन स्क्वायर, उसमें से एक चैन चला गया, अभी भी एक एन हमारे पास यहाँ पे बाकी है। तो देखते हैं इसका क्या करना है, सिग्मा 1 upon, अब यहाँ भी अगर हम इंटीग्रेशन लगाना चाह रहे हैं तो वही बात कि यहाँ भी आर के डिनोमिनेटर में एन होना चाहिए, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप एन को, तो ये ए प्लस आर बाई एन हो गया, ये कॉमन होकर बाहर आएगा एन स्क्वायर बन के, और एक एन जो ये अपना बचा इसको कैंसिल करके 1/n यहाँ रह जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो सीधे सीधे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ये जो टर्म ऊपर लिखी हुई है ये होगी 0 to 1 x^(1/3) dx, ये जो टर्म डिनोमिनेटर में है ये हो जाएगी 0 to 1 1 upon a + x² dx। बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा x^(4/3) upon 4/3, और ये जो वैल्यू है जिसमें लिमिट अभी पुट करेंगे हम 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन होगा -1 upon a + x, और इसमें भी लिमिट हमको पुट करनी है 0 to 1। अगर ये लिमिट हम यहाँ पुट करते हैं तो उसके बाद हम यहाँ चले आते हैं, देखिए क्या मिलेगा हमको, 0 पुट करने पे 0 बन जाएगा, 1 पुट करोगे 3/4 बनेगा जी ऊपर, डिनोमिनेटर में आते हैं माइनस बार है ही, जब आप 1 पुट करेंगे आपको मिलेगा 1 upon a + 1, और 0 पुट करने पे -1/a। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसा हो गया कुछ 3 times a into a + 1, यहाँ a माइनस ए प्लस वन माइनस वन बचेगा, इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, ये टर्म मिली। अब हमको गिवन है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 54, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, देखिए क्या होगी, a² + a, यहाँ कितना हुआ 3 से डिवाइड करिए 54 को तो 18 आएगा, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 72 इधर लेके आ जाइए, और अब अगर हम इसके फैक्टर कर लें तो ये a + 9 a - 8 = 0, सो फाइनली गॉट a = 8 and -9। जैसा मैंने बोला था ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, तो ये ईजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है, एंड द राइट आंसर इज 8 and -9, सो सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर से एक और आसान सवाल। इस सेक्शन की जितनी भी मुसीबत थी वो सब पहले 3 क्वेश्चन में ही खत्म हो गई है, आगे कोई क्वेश्चन आपको ना तो मुश्किल होगा ना लेंथी होगा। प्रॉपर्टी 1 ऐसा बोल रहे हैं कि इफ द फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एंड सेटिस्फाई दिस, दैट मीन दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, देन वी से दैट फंक्शन सेटिस्फाई प्रॉपर्टी 1, एंड इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली देन वी से दैट फंक्शन सेटिस्फाई प्रॉपर्टी 2, सो वी विल चेक दीज ऑप्शन 1 by 1। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स इट सेटिस्फाई प्रॉपर्टी 2 और नॉट, सो लेट अप्लाई प्रॉपर्टी 2 ऑन एफ एक्स, सो वी इट विल बिकम लिमिट एक्स एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच दैट इज एच मॉड एच माइनस एफ ऑफ 0 इज 0 एंड एच स्क्वायर,
अगर आप देखें तो ये बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड एच डिवाइडेड बाय एच। सो गाइस, अगर हम एलएचएल और आरएचएल इसकी कैलकुलेट करते हैं, एच टेंस टू जीरो माइनस हुआ यानी एच अगर नेगेटिव हुआ तो ये मॉड हट के यहाँ बनेगा माइनस एच और वो इससे कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा माइनस वन। तो एलएचएल आएगी माइनस वन और अगर आरएचएल की बात करें एच पॉजिटिव होगा मॉड हटेगा एच और एच कैंसिल होके बचेगा वन। सो एलएचएल और आरएचएल सेम नहीं है। सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से पहला ऑप्शन गलत होगा। नाउ मूव फॉर द सेकेंड ऑप्शन। हियर एफ एक्स इज मॉड एक्स एंड इट सेटिस्फाई प्रॉपर्टी वन। सो लेट चेक फॉर प्रॉपर्टी वन। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच इज मॉड एच माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। सो लिमिट ओके, इसको ऐसे देखिए, ऊपर जो फंक्शन है वन डिग्री का है और नीचे एच स्क्वायर जो है वो नीचे, यहाँ एक गलती हो गई हमसे, हमें प्रॉपर्टी वन में चेक करना था सॉरी। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ आएगा रूट एच, ये है प्रॉपर्टी वन। आइए आगे बढ़ते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ भी मॉड है तो ये इसको कैंसिल कर देगा और आपको मिलेगा अंडर रूट मॉड एच। और अब अगर आप लिमिट पुट करें चाहे आप एलएचएल निकालिए चाहे आरएचएल, यू गॉट जीरो। तो लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ऑप्शन सेकेंड एकदम करेक्ट है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, उसके बाद प्रॉपर्टी टू चेक करनी है। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये हो गया साइन एक्स माइनस एफ जीरो यानी साइन जीरो जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। एच इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दिस कैन बी रिटर्न लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच इन टू वन बाई एच। सो गाइस दिस विल बिकम वन एंड व्हेन लिमिट एच टेंस टू जीरो दिस विल बिकम वन एंड इट विल बिकम जीरो। सो वन अपॉन जीरो विल टेंस टू इन्फिनिटी। तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। नाउ द लास्ट ऑप्शन, नाउ वी विल चेक फॉर प्रॉपर्टी वन। सो इट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स यानी कि एच पावर टू बाई थ्री माइनस जीरो डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मॉड एच। यहाँ भी गाइस नोटिस करने वाली बात यह है, एच पावर टू बाई थ्री को आप समझ सकते हो, वी कैन राइट इट लाइक दिस, एच स्क्वायर पावर वन बाई थ्री डिवाइडेड बाय एंड एच स्क्वायर कैन बी रिटर्न मॉड एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एच स्क्वायर को हम मॉड एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और अब पावर को बहुत इजीली कैंसिल कर सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो ये बन जाएगा मॉड एच टू द पावर टू बाई थ्री माइनस हाफ। टू बाई थ्री में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा वन बाई सिक्स, तो पॉजिटिव पावर है। सो व्हेन एच टेंस टू जीरो इट विल टेंस टू जीरो। तो ये लिमिट भी देखिए फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो राइट आंसर है फोर्थ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वेक्टर एंड इजीएस्ट क्वेश्चन। हियर थ्री लाइंस आर गिवन एंड इट इज गिवन दैट पी लाइज ऑन लाइन एल वन, क्यू लाइज ऑन एल टू, आर लाइज ऑन एल थ्री। वी नो दैट if the equation of line L1 is given like this, then R vector represents the position vector of each point lying on the line L1. Since P lies on line L1, so let me take P is lambda I cap and the point Q which lies on L2, so let Q is, यहाँ थोड़ा गौर से देखिएगा इन्होंने क्या किया है कि J cap को पहले बाद में लिखा है, तो हम इसको सही कर लेते हैं, mu J cap plus K cap and let the R is I cap plus J cap plus nu K cap. So these are the point PQR lying on the line L1, L2, L3 respectively. Now it is given that for what value of Q, PQR are collinear. So PQR are collinear. Condition of collinearity.
आपको याद हो पी क्यू आर कोलिनियर तब होंगे जब पी क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू क्यू आर वेक्टर. सिंस पी क्यू आर इज गिवन सो वी कैन फाइंड आउट पी क्यू एंड क्यू आर. पी क्यू वेक्टर इज माइनस लैम्डा आई कैप प्लस म्यू जे कैप प्लस के कैप एंड इट मस्ट बी पैरेलल टू क्यू आर. क्यू आर वेक्टर इज आई कैप प्लस वन माइनस म्यू जे कैप प्लस न्यू माइनस वन के कैप. और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, क्यू आर निकालना है तो आर के पोजिशन वैक्टर में से क्यू के पोजिशन वैक्टर को सब ट्रैक कर दीजिए. अभी दोनों वैक्टर पैरेलल है, दो वैक्टर के पैरेलल या कोलिनियर होने की कंडीशन ये है कि आई कैप जे कैप के कैप के जो कॉफिशियंट हैं वो सेम रेशियो में होने चाहिए. तो यहाँ से हमें मिलेगा कि माइनस लैमडा और यहाँ आई कैप का कॉफिशियंट है वन, इट मस्ट बी इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू, इट मस्ट बी इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय न्यू माइनस वन. फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट लैमडा इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू माइनस वन एंड फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट न्यू माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस म्यू अपॉन म्यू. नाउ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लैमडा म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू वन एंड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. सो गाइज वन और जीरो के अलावा अगर हम म्यू की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें लैमडा और न्यू ऐसे मिल ही जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हो, यानी पी क्यू आर कोलिनियर बन जाएंगे अगर म्यू का वैल्यू वन और जीरो ना हो. म्यू जो है पॉइंट क्यू में आप देखिए जे का कोफिशियंट है. अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस ऑप्शन में जे का कोफिशियंट वन है तो ये पॉसिबल नहीं है, इस ऑप्शन में जे का कोफिशियंट जीरो है तो ये पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में जे का कोफिशियंट ना तो जीरो है ना ही वन है, तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल है. अगर हम म्यू की वैल्यू हाफ या माइनस हाफ लेके पुट करेंगे तो डेफिनेटली हमको लैम्डा और न्यू मिलेंगे जिससे कि पी क्यू आर कोलिनियर हो जाएंगे. सो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ रिप्रेजेंट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू. ओके दैट्स ऑल, नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैलकुलस एंड अगेन अ सिंपल क्वेश्चन विद वेरी लेस कैलकुलेशन. काफ़ी हेल्प की गई हमारी, एफ एक्स गिवन है, कैपिटल एफ एक्स आपको दिया हुआ है. देखिए जीरो से एक्स एफ टी डी टी वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. और हमें बात करनी है इसके मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, तो इसका मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए हम पहले कैलकुलेट करेंगे एफ डैश एक्स और यहाँ लेबनीज रूल हम यूज़ करेंगे टू डिफ्रेंशिएट द इंटीग्रेशन. सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन और टी की जगह एक्स रिप्लेस करेंगे तो मिलेगा एफ एक्स, जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो. सो कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स. स्मॉल एफ एक्स हमको गिवन है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री. और अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसका साइन. आप देखिए वन टू थ्री पर डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो और इसका साइन होगा कुछ इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस. तो जहाँ पे डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है माइनस से प्लस में वहां अपने को मिलेगा मिनिमा, इस पॉइंट पे मिलेगा मैक्सिमा और इस पॉइंट पर हमको मिलेगा मिनिमा. तो चलिए गाइस अब हम थोड़ा इसका ग्राफ बना लेते हैं, उससे हम सारे क्वेश्चन के एक साथ आंसर कर पाएंगे. तो वाई इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स के ग्राफ की बात कर रहे हैं हम लोग. अब देखिए इसमें अगर हम x का वैल्यू जीरो डाल देते हैं तो ये इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाएगी, सो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन विल बिकम जीरो. सो एट x इक्वल टू जीरो y इज आल्सो इक्वल टू जीरो. सो ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. नाउ इफ x इज ग्रेटर देन जीरो तो आप देख सकते हैं ओरिजिन के बाद में और वन से पहले डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है सो फंक्शन विल डिक्रीजेस. तो ग्राफ इसका नीचे जाएगा ऐसे वन पे व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, उस पॉइंट पे मिनिमा बनेगा, उसके बाद ग्राफ वापस इंक्रीज करेगा. अब ये जब इंक्रीज करेगा
तो 2 पर जो ग्राफ की वैल्यू आएगी ये इस एक्सिस के इधर आएगी या इधर आएगी, अगर ये चेक करना है तो हमें 2 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो वी विल चेक एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 इज 0 to 2 एंड एफ टी डी टी दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 डी एक्स। और आप बहुत इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड सॉरी यहाँ 5 है, सो इट्स नॉट 6x, 5 2 3 इट्स 8x प्लस 17 एक्स क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 17x 5 2 एंड 1 इज माइनस 10 इंटू डी एक्स। नाउ इफ यू इंटीग्रेट दिस एंड पुट द लिमिट 0 to 2 देन यू विल फाइंड अ नेगेटिव वैल्यू। ओके सो इट मीन्स ये जो पॉइंट होगा x इक्वल टू 2 वाला, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा और यहाँ आपको एक मिनिम मैक्सिमा मिलेगा ऐसे। इसके बाद फिर से कर्व डिक्रीज करेगा और 3 तक डिक्रीज करता रहेगा। आई एम सॉरी ये 5 है क्वेश्चन में, एक मिस्टेक हो गया हमसे। चलिए खैर इससे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 3 की जगह 5 लिखना है ना। तो ये 5 तक डिक्रीज करेगा, दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू 5, उसके बाद फिर से इंक्रीज करेगा एंड सो ऑन। अब हमें डिस्कस करना है 0 से आगे। एफ एक्स हैज 2 लोकल मैक्सिमा एंड 1 लोकल मिनिमा इन 0 टू इनफाइनाइट। तो अगर आप देखें तो 0 टू इनफाइनाइट में आगे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कोई मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा नहीं। तो आपको 2 तो मिल रहा है मिनिमा और 1 मिल रहा है मैक्सिमा, और यहाँ बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है तो ये ऑप्शन गलत है। नाउ एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1, दैट्स करेक्ट। एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2, इट इज ऑल्सो करेक्ट। एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 5, ये 0 है और ये 5 है। ओपन इंटरवल 0 से 5 में, इस पॉइंट के आगे देखिएगा ना, इसको मत देखिएगा, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, सो इट कैन नॉट बी 0। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको ज़्यादा इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ा, डिफरेंशिएशन भी गिवन था इसका, तो एक और ईजी क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम मैट्रिक्स। इसमें आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होगी, बाकी क्वेश्चन ये भी आसान ही है। तो पी और क्यू दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, आर का वैल्यू पी क्यू पी इनवर्स के बराबर है। आगे पढ़ते हैं, देयर द फर्स्ट ऑप्शन इज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। हम करके देख लेते हैं पी क्यू और क्यू पी को मल्टीप्लाई। देखिए पी क्यू क्या आएगा, पी क्यू तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 2 + x, फिर फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट x + 4 + x, दैट मीन्स 2x + 4। आगे करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से चेक कर पाएंगे। अभी अगर हम क्यू पी कैलकुलेट करते हैं तो देखिए वहाँ से Q की फर्स्ट रो को इधर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 2, फिर Q की फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम P से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 + 2x एंड सो ऑन। अगर ये दोनों सेम है तो ये डेटा इसके बराबर आना चाहिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि x का वैल्यू 0 होने पर ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अगर मैं x का वैल्यू 0 यहाँ रखूँगा तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो जब ये दोनों डेटा बराबर होंगे तो ये दोनों नहीं होंगे, ये सेम होंगे तो ये दोनों नहीं होंगे। और दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब उनके सारे डेटा, सारे कॉरस्पॉन्डिंग डेटा मैच करते हो, यानी कि इसके डेटा कभी भी इससे मैच नहीं करेंगे, यानी पी क्यू और क्यू पी एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए बराबर नहीं आएंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ आर आपको कैलकुलेट करना है। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ आर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू पी इनवर्स। वी ऑल नो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिटर्मिनेंट ऑन मैट्रिक्स प्रोडक्ट इफ द मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। और हम ये भी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू रह गया है यहाँ पे,
क्यू आपके सामने है, क्यू का डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सेकंड रो के अबाउट ओपन कर लेते हैं, तो इसमें दो जीरो है तो इजीली इसका आंसर हमको समझ में आ जाएगा, दैट इज 4 टाइम 12 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली 48 माइनस 4x स्क्वायर, ये है डिटरमिनेंट r की वैल्यू। अब जो RHS दी हुई है अपने को उसमें आते हैं डिटरमिनेंट ऑफ दिस, तो यहाँ भी देखिए यहाँ दो जगह 4 है तो इसको भी इसी रो के अबाउट ओपन कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 4 मल्टीप्लाई विद इट्स कोफैक्टर, तो 4 का कोफैक्टर आएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें फिर ऐड करवा रहे हैं 8 हमसे, देखिए 40 हो गया, 8 ऐड करोगे 48 माइनस 4x स्क्वायर, तो दोनों साइड से वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, देखिए 4x इक्वल टू 0, अब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे बात हो रही है तो x की वैल्यू 0 हमको पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, फिर r कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 1a और b से, तो चलिए शुरू करते हैं। सो r इज इक्वल टू पी क्यू पी इनवर्स, सो विच इज इक्वल टू पी, पी इज 1 1 1, 0 2 2, 0 0 3, मल्टीप्लाई विद q। अब यहाँ q में हम x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ये बनेगा 2 0 0, 0 4 0, 0 0 6, और यहाँ हमको चाहिए पी इनवर्स। पी इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि पी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ पी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ पी, एंड एडजॉइंट ऑफ पी इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ पी एंड इट्स ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ पी। तो आइए तेजी से कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होगी, यानी कि 6 आएगा इसका डिटरमिनेंट, तो इसका वैल्यू हो गया 6, तो ये आ गया 1/6। साथ में एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इसके हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज लेंगे, दोनों काम हम साथ कर रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, हम रो वाइज कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे और उसको कॉलम वाइज लिखेंगे ताकि ट्रांसपोज भी साथ साथ हो जाए। तो सबसे पहले देखिए 1 का कोफैक्टर आपको मिलेगा 6, तो यहाँ लिखा मैंने 6, अब इस 1 का कोफैक्टर है, इसको और इसको रिमूव कर दे तो 0, तो वो 0 अपने को यहाँ लिखना है ना, रो वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं कॉलम वाइज लिख रहे हैं, इस 1 का कोफैक्टर है ये और इसकी वैल्यू भी आएगी 0। अब आते हैं 0 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर आएगा देखिए 3 और माइनस से मल्टीप्लाई हो गया -3, फिर 2 का कोफैक्टर, ये 2 का कोफैक्टर आएगा 3, ओके जी 3, और फिर इस 2 का कोफैक्टर अगर हम कैलकुलेट करें तो आ गया 0, यहां मुझे लगता है गलती हो गई हमसे, ये रो वाइज लिखना था हमको ना ऐसे। चलिए अब आगे आते हैं, इस 0 का कोफैक्टर चेक करेंगे 1 2 1 2, दैट विल बिकम 0, इस 0 का कोफैक्टर चेक करेंगे 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, सो -2, और अब इस 3 का कोफैक्टर अगर चेक करें तो 2, ओके, तो ये हमारे पास पी इनवर्स आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1/6 को साइड में कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं क्या आता है। सो 1 1 1 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो इन तीनों का सम हो जाएगा बेसिकली, तो आपको मिलेगा 2 4 6। अब 0 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना जब कॉलम वाइज, तो 0 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा और 2 2 यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, तो आपको मिलेगा 0 8 12। अब 0 0 3 को मल्टीप्लाई करिए, 0 0 18, इधर है 6 -3 0 0 3 -2 0 0 2, एक बार और प्रोडक्ट करते हैं इसका, देखते हैं क्या बनता है। 2 4 6 को मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे 12, 2 4 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए -6 + 8 12 और 0, तो प्लस का 6 बच गया, 0 -8 + 12 12 -8 4 आपको यहाँ मिलेगा, 0 8 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0 24
और 0, 24. 0 माइनस 16 प्लस 24, माइनस 16 प्लस 24 हो गया 8. नाउ 0 0 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 तो हमेशा 0 बनाएंगे यहाँ पे, 18 0 18 इंटू 0, सो फाइनली 0 0 और 36. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ r व्हेन x इक्वल टू 0. नाउ वी विल मल्टीप्लाई r विद 1 बाई r, सॉरी मल्टीप्लाई इट विद 1ab. तो ये हो गया 1 बाई 6 इंटू, देखिए इसको अब इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1ab मल्टीप्लाई होके बनेगा 12 6a 4b. फिर ये मल्टीप्लाई होगी ऐसे, आपको मिलेगा 24a प्लस 8b. ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो 36b. आपको गिवन है कि इट मस्ट बी इक्वल टू 6 टाइम दिस, दैट मींस 6 6a 6b. दोनों साइड को अगर हम कंपेयर करते हैं, ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो आपको इक्वेशन मिलेगी कुछ. देखिए जब आप इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 36 हो गया, आपको मिला 12 प्लस 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 36. 24a प्लस 8b इज इक्वल टू 36a, और यहाँ से आपको मिलेगा 36b इज इक्वल टू 36b, जो मीनिंगलेस है. इन दोनों को सॉल्व करने पर a का वैल्यू आएगा 2 और b का वैल्यू आएगा 3. आपको गिवन है इस ऑप्शन में, इफ x इक्वल टू 0 एंड दिस, देन a प्लस b इक्वल टू 5. तो आप देख सकते हैं a प्लस b का वैल्यू 5 होगा, और इस तरह से ये ऑप्शन भी करेक्ट है. अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे. फोर्थ ऑप्शन में ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, देखिएगा कैसे करते हैं. R मल्टीप्लाई विद अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0 0 0. ओके, R जो मैट्रिक्स है 3x3 की मैट्रिक्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 0 0 0 आना चाहिए. आप देखिए इधर तो 0 है ही, है ना, और इधर है अल्फा बीटा गामा, और यहाँ मैट्रिक्स है R, दिस इज 0 मैट्रिक्स बेसिकली. डिटर्मिनेंट ऑफ R जो हमने देखा था वो आया था 48 माइनस 4x स्क्वायर. ऑप्शन प्रीवियस ऑप्शन में जब हमने सेकेंड ऑप्शन सॉल्व किया था, ये डिटरमिनेंट R की वैल्यू आई थी. अब इसमें मुझे x की जगह 1 डालना है इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको मिलेगा 44, और ये वैल्यू 0 नहीं है. तो अगर ये वैल्यू 0 नहीं हो तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और आप देख सकते हैं कि वो यूनिक सॉल्यूशन, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो ऐसे में इसका केवल और केवल 0 सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा. यानी इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है सॉल्यूशन की, अल्फा बीटा गामा सब 0 होने चाहिए. और अगर अल्फा बीटा गामा सब 0 हो जाते हैं तो ये जो वेक्टर अपने को दिया हुआ है ये यूनिट वेक्टर नहीं बन सकता. इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. तो ये था सेक्शन ए के पहले 8 क्वेश्चन का डिस्कशन. इसमें से आप देख सकते हैं पहले 3 क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चन ना तो ज़्यादा लेंदी थे और ना ही मुश्किल.